हेलो गाइस, आज हम 6 कली वाला पेटीकोट का कटिंग करने जा रहे हैं। तो पेटीकोट का कटिंग सिखाएंगे। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो आपको जानकारी मिलती रहे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं पेटीकोट की कटिंग कैसे की जाती है। देखिए, ये हमारा 2 मीटर का कपड़ा है पेटीकोट का। इस तरह हम डबल फोल्ड में ले लेंगे इसको। देखिए, लंबाई में डबल फोल्ड ले लेंगे। इसके बाद इसको हम यहाँ से नहीं, इसको हम साइड से जहाँ पर खुला हुआ है वहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे। देखिए, इसको यहाँ से हम फोल्ड करेंगे। कमर हमारा कितना होता है तो हम लेते हैं 2.5 इंच। 2.5 इंच कमर लेंगे और हाफ लेंगे, इतना हम सिलाई में हमारा जाएगा। तो टोटल हमारा 3 है। देखिए, 3 इंच हम ले लिए हैं। सब जगह से हम नाप के देख लेते हैं, हमारा 3 है। ठीक है, इसको हम बराबर कर लेंगे। इसको हम प्रेस करके अब यहाँ से इसको हम कट कर देंगे। देखिए, इसकी कमर है हमारा 38 और लंबाई है 35। तो हम देखिए यहाँ पर पेटीकोट को डबल करके इस तरह कटिंग कर लेंगे। हमारा कमर और डोरी इसी में से निकल जाएगा। ठीक है, और अब हम इसको फोल्ड कर देंगे, इसको इस तरह डबल, इसको डबल फोल्ड करके बराबर हम इसको ले लेंगे, प्रेस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम इधर से देखिए, ये हमारा लंबाई है टोटल 38.5। हमारा सिलकर भी 38 आना चाहिए। तो हम ये जो कमर पट्टी लगाएंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो हम कमर पट्टी लगा देंगे और यहाँ से हम 2 इंच नीचे फोल्ड कर देंगे तो हमारा टोटल कितना आ रहा है हम पहले देख लेंगे। देखिए, टोटल 38 आ रहा है। देख रहे हैं आप, देख सकते हैं 38, देख सकते हैं 38 आ गया। ठीक है, तो हमारा टोटल लंबाई 38 है और कमर 35 है। देखिए, तो 15 × 30 और जो उसमें कम होगा तो हम और इसमें से अलग से काट के ज्वाइंट कर देंगे। देखिए, इधर से हम 5.5 लेंगे। देख सकते हैं आप 5.5, इधर से हम 5.5 पे निशान लगाएंगे और एक सीधा तिरछा हम ले जाएंगे इधर, तो इधर भी हम 5.5 पे निशान लगाएंगे। देख, फिर इधर भी हम 5.5 पे ही निशान लेंगे। देख लीजिए, 5.5 ले लिए हैं। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे और एक यहाँ से पकड़ेंगे। ठीक है, अब बस हम इसको यहीं से फोल्ड कर देंगे। ऐसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद चाहेंगे तो आप इस तरह कैंची से भी काट सकते हैं या तो फिर इसे खोल के भी कर सकते हैं। अगर आपको ना समझ में आए तो इस तरह निशान भी लगा सकते हैं इस पर, प्रेस किए जगह पर। अब इसको हम कटिंग कर देंगे। ठीक है, ये हमारा देखिए
यहाँ से बंद है तो यहाँ से हम इसको खोल देंगे। ठीक है, ये भी है बंद, इसको भी खोल देंगे, फिर इसको भी खोल देंगे। ये हमारा दो और दो चार हो गया, और ये दो चार दो छह कली वाला हमारा पेटीकोट कट गया है। अब इसको हम आपको सिल कर दिखाते हैं कैसे सिल रहे हैं। देखिए अब हम इसको सिल रहे हैं, तो देखिए पहले हम एक चौला वाला जो पट्टी है, ये जो हमारा चौड़ा वाला पट्टी है, पहले उसको एक ले लेंगे। इसको लेके और ये पतला वाला पट्टी है, इसमें हमारा ध्यान देने वाला जरूरी जो चीज है जो ये है, देखिए हमारा सा जो तिरछा निकला हुआ है इधर, उसी को हम नीचे ले लेंगे। उसको ऐसे पकड़ेंगे और सिलेंगे इसको। देखिए इसको यहाँ पर एक नोट जरूर लगा दे ताकि ये खुले ना। एक पल्ला हम जोड़ चुके हैं, अब देखिए दूसरा पल्ला भी हम इसमें ज्वाइंट कर देंगे इस तरह। ठीक है, जॉइंट कर देंगे इसको। देखिए दोनों पल्ला हम जोड़ लिए हैं इसी तरह जोड़ के। यहाँ पर लास्ट पर हम नॉट जरूर लगाएं, यहाँ पर देखिए नॉट लगा दिए हैं। अब देखिए अभी देखिए एक हमारा ये सीधा पल्ला और एक ये हमारा उल्टा पल्ला, दोनों को हम इस तरह रख देंगे एक के ऊपर रख करके हम एक तरफ की सिलाई पहले कर देंगे। नॉट लगा करके हम इसको एक तरफ सिल देंगे। देखिए इसको हम एक साइड इसको ज्वाइंट कर लिए हैं, इधर से हमारा एक पल्ला खुला है, तो इसको हम यहाँ से कम यहाँ से 5 इंच तक इस तरह हम फोल्ड कर देंगे। इसको यहाँ से फोल्ड करके इस पर सिलाई चला देंगे। वैसे देखिए इस तरह हम दोनों साइड इस तरह जोड़ लिए हैं, इसको फोल्ड करके सिलाई चला दिए हैं, और इस पर हम बेल्ट लगाएंगे। देखिए ये हमारा बेल्ट है, हम इसको इस तरह खोलेंगे और एक यहाँ से फोल्ड करके इस पर एक सिलाई चला देंगे। सिलाई चलाने के बाद इसको हम इस पर रख के आधे इंच का सिलाई और चला देंगे। इस पर नॉट लगाते हुए सिलेंगे इसको। देखिए अब हम किनारे पर आ गए हैं, अब इसको यहाँ पर हम नट लगा देंगे ऐसे थोड़ा सा देख करके निकाल लेंगे, और थोड़ा सा 1 इंच ज्यादा कपड़ा छोड़ते हुए हम
एक्स्ट्रा यहाँ से कटिंग कर लेंगे। और ये जो हमारा है इसमें हम ऐसे फोल्ड करके हम इसमें सिलाई चला देंगे। हम सिलाई चला देंगे इसको इस तरह। देखिए सिल चुके हैं। अब हम ये हमारा इस तरह फोल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा ये कोर वाला है, तो हम इसी को इसी तरह हम रख के इस पर स्टिच कर देंगे, सिल देंगे इसको। इसको इसी पर रख के हम नॉट लगा देते हैं ताकि खुले ना। इसके बराबर इस पर रखते हुए इसको सिलेंगे। सिल लिए हैं हम। अब इस पर हम एक और सिलाई चला देंगे, एक पैर की सिलाई और हम इधर चला देंगे। देखिए हमारा कमर पट्टी लग चुका है। अब इसको हम, ये हमारा सीधा पल्ला है, अब इसको हम उल्टे में ले करके यहाँ से हम कम से कम 5 इंच यहाँ से हम 5 इंच पर निशान लगा लेंगे। यहाँ पर 5 इंच चाहे 5.5 इंच आपको अपने अनुसार लगा सकते हैं। हम 5 पर लगा रहे हैं। ठीक है 5.5। देखिए इसको हम यहाँ निशान से सिलते हुए आ रहे हैं। अब इसको हम पूरा सिल लेंगे। देखिए हम नीचे ये भी साइड का ज्वाइंट कर लिए हैं। अब हम नीचे का फोल्ड करेंगे, नीचे का मोहरी। तो मोहरी देखिए मोहरी फोल्ड कर लेते हैं। ये जो हल्का एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे हम हल्का सा छांट देंगे ताकि हमारा बराबर आ जाए गोलाई में। अब इसको हम यहाँ से देखिए यहाँ से नीचे टिप से बता देते हैं आपको कितना फोल्ड करना है। यहाँ पर हम 1 इंच फोल्ड करके इसको मोड़ देंगे ऐसे, क्योंकि हमें लंबा चाहिए तो हम ज्यादा मोड़ नहीं सकते हैं, इसे छोटा हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा इसको अंदर से फोल्ड करते हुए इसको मोड़ देंगे। ज्यादा मोड़ेंगे तो पेटीकोट छोटा हो सकता है, इसको सिल देंगे इसको। हल्का सा हम इसको लूजिंग देते हुए अंदर की तरफ लूजिंग देते हुए इसको सिलेंगे, वरना खींचा के हमारा पेटीकोट का गोलाई अच्छा नहीं हो सकता है, इसलिए हम हल्का लूजिंग देते हुए सिलेंगे। तो हम देखिए कितना फ्रेश आ गया है, कोई झोल नहीं आया है इसमें, कहीं से भी झोल नहीं देख सकते हैं, कितना क्लियर हमारा आ गया है ये मोहरी। और इसको हम एक सिलाई और चलाते हुए इसको उतार देंगे। हमारा ये मोहरी रेडी हो चुका है, देख सकते हैं। रेडी हो चुका है, देखिए हमारा ये पेटीकोट रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप।
देख सकते हैं, ये पतली और लंबी औरतों के लिए है। अगर हेल्दी लोगों के लिए मतलब नीचे से ज्यादा चौड़ा और कमर का पट्टी ज्यादा चौड़ा चाहिए तो इसके लिए भी हम बता देंगे। कमेंट में लिखिएगा, कमेंट करिएगा कि हमें हेल्दी औरतों के लिए बताइए तो हम बता देंगे। अब हम इसके लिए डोरी बनाने जा रहे हैं। अब देखिए हम डोरी की कटिंग कर रहे हैं। यहाँ से 3 इंच हम ले लेंगे, 2 डोरी हम यहाँ से बना लेंगे। अब ये हम दोनों को ज्वाइंट कर देंगे इस तरह। डबल सिलाई चला देंगे ताकि मजबूत रहे। देखिए डोरी बना रहे हैं हम इस तरह के, दोनों तरफ से फोल्ड करके एक बीच में इस तरह फोल्ड कर देंगे इसको और इसको हम सिल लेंगे। देखिए हमारा रेडी हो चुका है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।